खेल प्रेमियों के लिए अपने खिलाड़ी से बड़ा कोई हीरो नहीं होता, और जब उनका हीरो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम करने लगे तो न सिर्फ देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है बल्कि करोड़ों देशवासियों का दिल भी गदगद हो जाता है। आप भी देखिए, स्वर्णवीर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कैसे हिंदुस्तान का डंका बजाया, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। हौसला अगर बुलंद हो, भुजाओं में शक्ति हो, संतुलन सटीक हो, भाला अगर नीरज चोपड़ा के हाथों में हो, तो कामयाबी अपना रास्ता खुद तैयार कर देती है। उम्मीद से बढ़कर जो भाला फेंक खेल का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने दिखाया है, उनके भाले की धाक पूरी दुनिया देख रही है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सिर ऊंचा करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में एक बार फिर देश का नाम रोशन कर दिया है। नीरज ने मौजूदा विश्व चैंपियन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया है, जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। इस जीत से गदगद हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। फिनलैंड में हो रहे क्वार्टानी 2022 के खेलों में नीरज चोपड़ा ने देश को एक और गोल्ड दिला दिया है। नीरज ने 86.69 मीटर का थ्रो बैक फेंक कर ये मेडल अपने नाम कर लिया है, जिसके आसपास कोई नहीं आ सका। ये तो होना ही था, नीरज चोपड़ा के भाले को फिनलैंड में इतिहास रचना ही था। पानीपत के जेवलिन थ्रोअर को कामयाबी की ये मिसाल हासिल करनी ही थी। आज इस चैंपियन की चमक से फिनलैंड में हिंदुस्तान दमक रहा है। इस कामयाबी से पहले भी नीरज ने अपने जबरदस्त खेल से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। अगर आपको याद हो तो नीरज जिस भी मैदान में उतरे हैं, वहां अपने भाले से लक्ष्य को भेदते हुए चैंपियन बने हैं। 2022 फिनलैंड के पावो नुरमी खेलों में रजत पदक हासिल किया। 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 2016 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा किया। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। 2017 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर हासिल किया। स्वर्णवीर बने नीरज चोपड़ा की रफ्तार नहीं रुकने वाली, जो एक के बाद एक दमदार कामयाबी से देश का सीना चौड़ा कर रही हैं। देशवासी उनके इस खेल से काफी उत्साहित हैं, जो कि आने वाले वक्त में उन्हें इसी तरह से जीतते हुए देखने की ख्वाहिश रखते हैं। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज अब 30 जून को डायमंड लीग के स्टॉकहोम लीग में हिस्सा लेंगे, जिसे देखना काफी रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।